उत्तर प्रदेश के कैराना से विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक नाहिद हसन अपने विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के दुकानदारों से सामान न लेने की अपील करते हुए दिख रहा है। वीडियो में एसपी विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम सामान खरीदते हैं तो उन बीजेपी वालों की दुकान चलती है और उनका खर्च चलता है। वीडियो में नाहिद अपील करते दिख रहे हैं कि बीजेपी समर्थित दुकानों से सामान लेना बंद करें। कैराना से एसपी विधायक के इस विवादित बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही नाहिद हसन ने लोगों से कहा कि अगर आप बीजेपी समर्थक व्यापारियों और दुकानदारों से सामान लेना बंद कर दें तो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतरा इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही, हमारे हम जब चीज लेते हैं तब इनका घर चलता है। तो सुना आपने, कैराना से विधायक हैं और कह रहे हैं बीजेपी से जुड़े दुकानदारों का बहिष्कार करें मुस्लिम समाज के लोग। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, एमएलए नाहिद हसन का ये वीडियो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, ये कब का उनका बयान है इस बारे में और क्या जानकारी मिल पाई इस वीडियो के संबंध में? पंकज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चल, लगता है हमारी आवाज पंकज तक नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो के बारे में फिर से बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कैराना से, इनका नाम है नाहिद हसन और इनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी से जुड़े दुकानदार हैं, उन दुकानदारों से आप सामान ना खरीदें ताकि उनकी आर्थिक हालत गड़बड़ा जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी ही दुकानदारों से बीजेपी जो है वो मजबूत होती है, उनका सामान आप दुकानदारों से ना खरीदें। तो कैराना के विधायक हैं हमारे साथ एक बार फिर पंकज चतुर्वेदी, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। पंकज, कैराना जिसका हम कहें कि इतिहास में दंगे से जुड़ा एक बदनुमा दाग कैराना के साथ लगा हुआ है और एक बार फिर से धार्मिक तौर पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम यहां पर एमएलए नाहिद हसन करते दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो उन्होंने जिस वीडियो को लेकर अब वो चर्चित हो गए हैं या कहें कि सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी इस वीडियो के संबंध में आपके पास? देखिए भवन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति, यदि खासकर कैराना जो मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्र है शामली का, वहाँ के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन, जिन्होंने वीडियो में ये कहते दिख रहे हैं कि जो हिंदू दुकानदार हैं या उनकी दुकानें हैं, वहां से सामान ना खरीदें क्योंकि इन लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया, हम लोगों की वजह से इनकी रोजी रोटी चलती नजर आ रही है। एक तरीके से सांप्रदायिक बयान दिया है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही, जिसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा जाना जाता है, क्योंकि खास मुजफ्फरनगर में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पे ध्रुवीकरण की बात सामने आई है। और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का वीडियो उसी बात को और मजबूत कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सद्भाव की यहां बार बार बातें की जाती हैं, लेकिन वही जो राजनीतिक दल हैं या उनके नुमाइंदे हैं वो लगातार सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रही है। और विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं नाहिद हसन, इस वीडियो में वो समाज को बांटने वाला बयान दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा की गई है और नाहिद हसन को नसीहत भी दी गई है। एक बार चर्चा में नाहिद हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सामने के जो विधायक हैं वो आज चर्चा में लगातार बने हुए हैं और इस वीडियो को लेकर के अब देखना यह होगा विधायक का क्या स्टैंड होता है जब मीडिया के सामने आएंगे, क्योंकि
जो वीडियो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और मीडिया में आने के बाद क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में सत्र से निकलने के बाद हो सकता है विधायक की प्रतिक्रिया कोई इस वीडियो पे आए। मोहन बिल्कुल, और पंकज पार्टी समाजवादी पार्टी का इस वीडियो को लेकर कोई बयान, कोई आधिकारिक बयान इस पर आया क्या? देखिए, चूंकि अभी सत्र चल रहा है, दूसरा समाजवादी के पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको मीडिया में बोलने से मना कर दिया गया है। हालांकि सत्र के दौरान जब समाजवादी पार्टी के जो विधानमंडल दल के नेता होते हैं परिषद के, वो जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो शायद इस वीडियो पे कुछ सवाल जवाब दे। वैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से न तो अभी कोई अतिरिक्त बयान जारी किया गया है और न ही ऐसा कोई बयान इस विधायक ने बोला वीडियो वायरल है उस पर कोई प्रतिक्रिया आई है।